गोरखनाथ थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी फेज 2 में कोरोना पॉजिटिव में मरीज मिलने से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इस संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखनाथ क्षेत्र के ग्रीन सिटी कॉलोनी में हॉट स्पॉट बना है, जिसका एसपीसीटी के साथ निरीक्षण किया गया और गोरखनाथ थाना अध्यक्ष के साथ उस एरिया को बैरिकेटिंग किया गया और उस एरिया को सैनिटाइज करवाया गया। उसके साथ साथ शहर का भ्रमण हुआ, सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया। इस मौके पर एसपीसीटी डॉक्टर गौतम, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी और गोरखनाथ थाना अध्यक्ष चंद्रभान सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा, इसको पीछे बंद करने क्या आवश्यकता बंद कर दें, यहाँ बंद कर दें, वहाँ बंद कर दें, इधर तो ऐसे भी ताले में जा नहीं पाएगा। आज एसपी सिटी सर के साथ मैंने ज्वाइंट रूप से गोरखनाथ थाना स्थित ग्रीन सिटी में एक हॉट स्पॉट जोन जो अभी न्यूली क्रिएटेड है उसकी विजिट की और वहाँ पर एसपी सिटी सर और मैंने बैरिकेटिंग के लिए वहाँ के कोतवाल साहब को निर्देश दिए और नगर निगम की गाड़ी मैंने वहाँ से तुरंत बुलवा के सैनिटाइजेशन काम प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा शहर के विभिन्न सड़कों से बाज़ारों से हम दोनों ऑफिसर्स ने घूमकर जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब हो रही है उनको टोक कर दुरुस्त कराया और जो लोग अभी भी इस मास्क को नहीं लगा रहे हैं उनको सख्त हिदायत दे दी गई कि अगर आप दोबारा इस तरह आए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन को हम लोगों को फैलने नहीं देना, इसलिए सावधानी सभी को रखनी है। ये ग्रीन सिटी क्षेत्र में एक महिला पॉजिटिव निकली है जो कि दिल्ली से यहाँ से ट्रेन द्वारा आई थी और वर्तमान में इस वक्त अस्पताल में एडमिट है, तो वहाँ पर एक हॉटस्पॉट का निर्माण किया गया है और वहाँ पे सैनिटाइजेशन नगर निगम की टीम और राजस्व की टीम, पुलिस की टीम सभी के साथ मिलकर बैरिकेडिंग करके उस हॉटस्पॉट को एक्टिव कराया जाएगा। तो मेडिकल टीम द्वारा उस पर निर्णय लिया जाएगा, अगर कहीं पे कोई इस प्रकार की चीज़ मिलेगी तो उनकी भी जांच करवाई जाएगी। मेडिकल टीम का विषय है, वही बता पाएंगे।